हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप हैं, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको उस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है पासवर्ड सिक्योरिटी, तो आपको पासवर्ड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फेस लॉक, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट का ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक पे क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है आपको वो एक बार डाल देना है। यहाँ पर उसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फिंगर लगाना है। इस तरीके से फिंगर जो है आपका वेक है। तो गाइस आप भी अपने फ़ोन में अपना फिंगर लगाना चाहते हैं तो आपको अपने फिंगर को इस तरीके से लगाना है और रिमूव करते रहना है। तो गाइस देखिए जो हमारा फिंगर है वो ऐड हो चुका और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है पहला फिंगरप्रिंट बन। जैसे कि गाइस आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं करना चाहते, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका ऐड ए फिंगरप्रिंट। जैसे कि गाइस आप अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति का अपना फिंगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।